फ्रेंड्स, बाज यानी ईगल को पक्षियों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता। बाज अपने शानो शौकत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काफी दर्द सहता है। बाज का लाइफ स्पेन 70 साल का होता है। इस 70 साल के बीच बाज की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां उसे पुनर्जन्म और मौत के बीच का चुनाव करना पड़ता है। 40 साल की उम्र में उसकी चोंच मुड़ जाती है जिससे वो शिकार नहीं कर पाता, पंख चिपक जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता और नाखून टेढ़े हो जाते हैं जिससे वो किसी चीज को पकड़ नहीं सकता। पर बाज यहाँ मौत को नहीं चुनता, वो उड़कर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और दर्द को सहकर अपनी चोंच और नाखूनों को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और भारी हो चुके पंखों को भी उखाड़ कर फेंक देता है। इतना दर्द और इतने हौसले के बाद इन 5 महीनों के इंतजार के बाद उसे एक नई लाइफ मिलती है। वो फिर से उड़ सकता है, शिकार कर सकता है और 30 साल तक फिर से वैसे ही जिंदगी जी सकता है। बाज हमें ये मैसेज देता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी मुश्किल प्रॉब्लम हो, आप वो करें जो करने योग्य हो, चाहे फिर लोग कितना भी दर्द दे, कितना भी बुरा कहे। आपको थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन ये करने के बाद आपको वो सब हासिल होगा जो आप चाहते हैं और आपने सोचा भी नहीं होगा। बस जरूरत है छोटे से बदलाव, थोड़े से हौसले की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।